हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे डबल रैपिंग की टसल। तो सबसे पहले जो है 2 8 फीट का धागा जो है ले लिया है, और ये मैंने चरखे पे चढ़ा लिया था, इकट्ठा कर लिया था। अब इसको जो है 10 इंची का काट लिया है मैंने। फिर 4 जो है धागे लेंगे मजबूत बांधने के लिए, सेम यही कलर के। फिर ये ऊपर का जो है 2 नोटिंग लगाए दे रहे हैं, देखिए ऊपर का बांध दिया मैंने। अब ये कंघा ले लिया है, कंघा थोड़ा सी करके अब इसको बांधेंगे। अभी मैंने वाइट धागा ले लिया है, वाइट धागा लेके अब मैं ऊपर की रैपिंग जो है करे दे रहा हूँ, इसकी धागे से रैपिंग करे दे रहा हूँ। 2 3 राउंड घुमा के बांध देंगे। ये देखिए मैंने जो है ना 3 4 बार घुमा के अब इसको मैं बांधे दे रहा हूँ। ये एक रैपिंग से मैंने धागे से बांध दिया है। अब कटर से काट देंगे। अब इसी तरह से हम कंघा लगा के दूसरी जो है करेंगे, दूसरे धागे की रैपिंग करेंगे। फिर से हम 4 धागे लेंगे और लगभग जो है 1.5 इंची तक के जो है थोड़ा गैप छोड़ देंगे, और फिर से जो है ऐसे ही करेंगे, 3 4 बार घुमाएंगे बांध देंगे। ये देखिए एक दो बार घुमा दिया है, 1 2 बार और घुमाएंगे, 1 बार और घुमा देंगे। अब ये बांध देंगे धागे से, इसकी नोटिंग कर देंगे। देखिए मैंने बांध दिया, अब कटर से काट लेंगे। अब ये टसल जो है तैयार है, सिर्फ काटना बाकी है। अब इसको थोड़ा सी कंघा लगा कर अब इसको जो है कटिंग कर देंगे कैंची से। लगभग 4 इंची की टसल जो है काट लेंगे। ये देखिए मैंने काटे ले रहा हूँ इसको, धागा थोड़ा मजबूत था तो कटने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन काट दिया। अब ये देखिए मैंने काट दिया इसको, ये टसल जो है रेडी है, ये टसल तैयार हो गई है। इसी तरह से मुझे जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं बना लूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।